तो क्या हाल है? शादी मुबारक के एकदम न्यू फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है, बोले तो समर एडिशन। जैसा कि आपको पता है कि शादियों का सीजन चल रहा है, कुछ लोगों की शादियां हो गई, कुछ लोगों की होने वाली होंगी। तो बेटा शादी का लड्डू तो तुम सब खाओगे, मानोगे तो है नहीं, लेकिन मान सकते हो तो एक चीज मान लेना भाई साहब, गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में शादी करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, सर्दियों में ना सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है ना, तो उस वक्त में जो गर्मी का एहसास आपको मिलेगा वो पल आपके लिए यादगार बन जाएगा। परंतु गर्मियों साला पहले से सब कुछ गर्म रहता, सबकी खोपड़ी गर्म रहती है, बॉडी गर्म रहती है, मैं सही बता रहा हूँ, पसीना पोंछते रह जाओगे। और गर्मी में वैसे सब कुछ गर्म रहता है कि स्वागत मनाते टाइम चिंगारी निकाल के आग मत लगा देना, ऐसा हो सकता है क्या? चल खैर, जब शादियों का टॉपिक उठा ही है तो बाबू ये बात दूर तक लग जाएगी, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते ही लेकिन उससे पहले जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। हाँ तो भैया, इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, पहले लोग जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, जैसे कि ये, बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है। और दूसरे लोग वो हैं जिनकी शादी बुढ़ापे में होती है, जैसे कि ये लोग, मतलब ताऊ की तो लॉटरी लग गई। मतलब अब मेरी समझ में ये चीज नहीं आती कि जिन बुजुर्गों से रसगुल्ला नहीं खाया जाता वो साले बुढ़ापे में शादी करके क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो भैया मेरी समझ से परे चल रही है चीजें, और आजकल जैसे हालात चल रहे हैं ना, जवान लड़कियों से शादी बुढ़े ही करेंगे और तुम झुंझुना हिलाते रह जाना। पता नहीं यार ये किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग, मोदी जी कुछ कहोगे? एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम, ये क्या कहकर निकल गए मोदी जी? क्या हो रहा है? मोदी जी की बात तो हम बाद में समझ लेंगे, लेकिन इस ताऊ का हम क्या करें? ताऊ गाना सुनता रह गया और उसकी लुगाई की कोई और मांग भर के चला गया। पर सही भी है, ताऊ इस उम्र में बवासीर का इलाज करवाता ठीक लगेगा, गुप्त रोगों का थोड़ी। और मैं तो बोलता हूँ तुम भी कोई सुंदर सी लड़की देख लो और शादी कर लो। भैया हमने तो कर ली, तुम्हें क्या लग रहा है इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी? अबे हाथ में एक नेल पॉलिश लगा के थोड़ी बैठे हैं हम। अबे हमारा जो होना था वो तो हो लिया बेटा, तुम ही नल्ले रह गए। ये गर्मी वाली जो बात है ना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा। और ऐसा नहीं है कि जवानी से बुड्ढों को ही छा रही है, बूढ़ी औरतें भी अब इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। क्या है? क्या है? क्या है? तेरी माँ देखेगी क्या सोचेगी? तेरी माँ देखेगी क्या? अब देखो यार, ये ताई इस लौंडे के कुछ भी लगती हो, लेकिन ये जो लौंडा है ना, मुझे लड़कियों को सताया हुआ लग रहा है। दुनिया जहाँ की सारी लड़कियों से ठोकर खाने के बाद भाई को सच्चा प्यार इस बुढ़िया में दिखा। और ऐसा नहीं है कि ये कारनामा करने वाली पहली महिला है, ना 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 ना, यहाँ भी कतार थोड़ी लंबी है, तुम बस गिनती करते जाओ। क्या चल रहा है आंटी? ये क्या चल रहा है? ये शादी करेंगे हम दोनों। शादी करी तुम दोनों ने? तुम्हारी उम्र और इसकी उम्र में फर्क नहीं है? क्या फर्क क्यों नहीं जानते? कौन है तुम्हारा? ये मेरी बहन का लड़का है, मैं इससे शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ। इससे प्यार करते हो तुम? शादी कर रही हो इससे? कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र? हाँ मेरी उम्र है 50। और तेरी? मेरी 18। तेरे पास बहुत पैसा है? अच्छा, शादी करूँगी इसी से। या ताई ने सोमवार के व्रत कुछ ज्यादा ही रख लिया भाई साहब। तो आजकल लड़कियों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियों और तुम्हारे टेस्ट को हो क्या गया? या तो लड़कियां बुड्ढों से शादी करेंगी, या तो भाई साहब बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो ऐसा बंदा बनाएंगी जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिल दिमाग फेंपड़ा से पेकी बात बोलेगा। अरे ए मारो इसको, यहाँ साला घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। अबे इसको क्या बोलोगे तुम? बाबा बड़ी मुश्किल, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। क्या हो रहा है? और घास से मुझे याद आया, कल ना मेरे मोहल्ले में एक शादी थी, तो उसमें यार एक लड़की बहुत पसंद आई हमको, काफी सुंदर थी वो दिखने में। तो वो ना यार गोलगप्पे के रेडी पे खड़ी थी, और मैं ना स्टेज पे जाके थोड़ा फोटो वोटो खिंचवाने लगा, और जैसे ही मैं फोटो खिंचवा के आया मैं बंदी गाया, सारा नाम पता भी नहीं पूछ पाया यार मैं उसका। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता बता यार। तुमने हैपन ऐप का नाम सुना है ना? सुना तो है भगवान, वही ना जो जियो लोकेशन पे वर्क करता है। तो फिर उसको यूज क्यों नहीं करता गधे? सही कह रहे हो भगवान, ये चीज मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? दिमाग स्लो हो गया है तेरा। पर भगवान ये क्रश टाइम क्या है? तुम किसी प्रोफाइल को लाइक करोगे, फिर वेट करोगे, कोई तुम्हारा प्रोफाइल को लाइक बैक करेगा। इस प्रोसेस को मजेदार बनाने के लिए इस क्रश टाइम गेम को बनाया गया है। ये एक गेम है जिसमें चार प्रोफाइल दी गई होंगी, उन प्रोफाइल में से आपको गेस करना है कि आपको किसने लाइक किया है। है ना इंटरेस्टिंग? है, ये तो सही है। पर भगवान हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी क्रश रियल है? अरे मूर्ख प्राणी, उसके प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक चेक कर लेना, अगर ज्यादा ही चुल्ल मचली है तो वीडियो कॉल करके देख लेना। अच्छा भगवान एक चीज पूछूं, मतलब
उससे शुरुआत कैसे करें बात करने की? शादी हो गई है ना तेरी, फिर भी चैन नहीं है? अरे प्रभु, अब तुम शांति से बैठो, अपनी ऑडियंस को मौका दो। भैया मेरा जो होना था वो तो हो लिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, जाकर यार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने मीनिंगफुल कनेक्शन बना लो। तो बात हो रही थी शादियों की, तो सच बताऊं अब शादियां उस तरीके से नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। पता नहीं लोगों को पार्टनर नहीं मिल रहा, क्या बात है भाई साहब, गंगा उल्टी बह रही है, बुढ़े जवान छोरे इनसे शादी कर रहे हैं। तुमको रखूंगा दिल में बसा के, क्या हो रहा है? जवान छोरा ने बुढ़िया पसंद आ रही है। अरे सास को भगा ले आए थे? किसकी सास भगा ले आए थे? भाई की। भाई की सास को भगा लाए थे? तुम्हारी क्या लगती है? सास लगती है। तुम्हारी सास लगती है? अपने सास को भगा ले आए। भाई साहब अब तो मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि प्यार अंधा बहरा गूंगा सब होता है, कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब आजकल लोगों को। ये सास तुम्हारी यही है? इधर आओ, कहाँ छिप रही है? क्यों क्यों इसके साथ चले आई? दामाद के साथ क्यों चली आई? इसी पर रहोगी? हाँ, और तुम्हारी लड़की भी यही रहेगी? या ताई ने या छुरा की जवानी तो खराब करी ही करी, साथ में अपने पति को बुढ़ापे को खराब कर दियो। और ऐसा नहीं है कि ये कारनामे सिर्फ इंडिया में ही हो रहे हैं, इस रेस में हमारा पड़ोसी मुल्क कतई पीछे नहीं है। भाई साहब आपकी एज कितनी है? एज मेरी कोई 61 होगी। 61 है जी। आसिया आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। अच्छा मुझे ये बताओ आसिया, आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? मतलब मेरी एक दो बार इनसे मुलाकात हुई, मैंने बातें सुनी और मैंने मोहल्ले वालों से भी इनका सुना हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं चलो शादी कर लेती हूँ। शादी कर लेती हूँ? तो आपको इनसे मोहब्बत हो गई? हाँ जी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। मैं ना इन लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो जो हम जवान लौंडे नहीं कर पा रहे हैं? मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पांस। अबे चीनी कम में भी अमिताभ बच्चन को पापड़ बेलने पड़ गए थे यार, और ये लोग बुढ़ापे में रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश खा रहे हो भैया आजकल? अब बताओ आप इसको क्या कहोगे? आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला, आपकी सर उम्र कितनी है? मेरी उम्र 70। 70 साल जी। आपकी उम्र कितनी? 19 साल। अच्छा आपको इनसे कैसे मोहब्बत हुई? आपकी एज इतनी कम है और इनकी इतनी ज्यादा, आपको तो ढूंढना चाहिए था अपनी एज का कोई। कैसे मोहब्बत हुई? मॉर्निंग वॉक में क्या हुआ, क्या सीन? देखे इश्क में जो है उम्र नहीं देखी जाती, बस हो जाती है मोहब्बत। अच्छा। तो इसमें पता नहीं चलता कि क्या उम्र है, क्या जात है, क्या है क्या नहीं, बस हो गई मोहब्बत। कुछ इन्होंने आंख में टक्का किया, कुछ मेरा हो गया। ये सब देखने के बाद है ना, हम लड़कों के मन से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हो नहीं रहा, अन्याय हो गया। लड़कियों क्या हो गया तुमको? मार्केट में इतने अच्छे अच्छे लड़के घूम रहे हैं और तुमको बुढ़े पसंद आ रहे हैं? जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं ना भाई साहब, कुछ दिनों में लड़के बंदरों पे सेट होने लगेंगे। और लड़कियों के भी माइंड का आजकल कुछ पता ही नहीं है, शादी करेंगी तो सीधा बुढ़ों से करेंगी, नहीं तो किसी से नहीं करके अपने आप से ही कर लेंगी। सही बता रहा हूँ मैं? इंडिया में एक लड़की कर चुकी है। हवन कुंड जलाते हुए मैंने खुद को सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाया, मैंने फेरे लिए शादी के बाद खुशी से। मैडम ने नेट पर सर्च किया और खुद से शादी कर ली। इसलिए मैं बोलता हूँ नेट पर सर्च करके कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमको बवासीर है ना भाई साहब, तो नेट वाले उसे कैंसर घोषित कर देंगे। और यूट्यूब के डॉक्टरों का तो तुम्हें पता ही है, साले इनो में कोलगेट और लौंग घुसेड़ घुसाड़ के पता नहीं क्या क्या करवा देते हैं। तो सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। अब पता नहीं यार ये लड़की मोदी जी की कुछ ज्यादा बड़ी फैन है कि पता नहीं इसको क्या सूझी। अबे मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने को बोला था, लेकिन इतना भी नहीं बोला था कि तुम खुद से ही शादी कर लो। एल्ला विषम मंगल किड़ी इलम, क्या हो रहा है? और भाई अगर बात करें मेकअप की, तो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, ये जितने भी साले इंडिया में ब्यूटी पार्लर है ना, सबको बैन कर दो, क्योंकि इनके पास वो अद्भुत शक्ति है कि ये मारुति को साले मर्सिडीज बना सकते हैं। अबे लड़कों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं यार ये लोग। हाय, आई लव योर मेकअप मैम, मुझे तो वाओ चाहिए। गाइस इनको वाओ मेकअप चाहिए, सो स्टे ट्यून्ड फॉर हर वाओ लुक। लड़कियां तो बाव मेकअप करा के बाव लगने लग जाती हैं, लेकिन लड़कों के बारे में भी तो कोई सोचो। जब अगले दिन लड़की मेकअप निकालती है ना, तो लड़कों की आत्मा है ना छाती के निप्पल से बाहर निकल जाती है। पता है उस वक्त लड़कों के मन में क्या चलता है? तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। अबे इतना भी मेकअप मत करो बे साला, इतना तो पेंटर भी नहीं पोतता दीवार को जितना मेकअप करने वाले चेहरे को पोत देते हैं। शादी हो गई, चलो अब विदाई करवा देते। आपको मैंने कई टाइप की विदाई दिखाई है भाई साहब, हंसती हुई, रोती हुई, भगती हुई, तो हर विदाई का ना अपना एक अलग ही मजा। अब ना विदाई में दो टाइप के लोग आ गए हैं, पहले वो जो रोते नहीं है। तुम में से कोई क्यों नहीं रो रहा? रो।
हम क्यों रहे हमारा मेकअप खराब है? बताओ ना, खुद रो रही है ना घर वाले रो रहे हैं, मतलब छोरी से ज्यादा मेकअप इम्पोर्टेंट है, और दूसरी तरफ या बिटिया ने रो रो के पूरा मोहल्ला एक कर दिया। चल रोज रोज मेकअप खराब हो गए, जिंदगी खराब हो गई दादा। बताओ इसको माँ बाप से बिछड़ने से ज्यादा दुख इस बात का है कि इसको ससुराल में जाके बर्तन धोने पड़ जाएंगे। वाह बेटी वाह, लड़कों की परेशानी का तो भैया कोई इलाज नहीं है, और इससे ज्यादा मैं झेल पाऊंगा नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, उसके बगल में जो घंटे का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने में ट्राई कर रहे हैं तो हैपन आपके लिए बहुत ही कारगर ऐप साबित हो सकता है। सो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।